इंदौर में एक लड़की जॉब करती थी, पढ़ लिख गई थी, मां बाप ने शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। महिलाओं से मेरा निवेदन, लड़कियों से मेरा खास निवेदन है, तुम बहुत जल्दी बहक जाती हो, मीठी मीठी बातों में आ जाती हो, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। ये सब बकवास है, इन बातों में मत आना। शादी के बाद सब्जी की डोलची नहीं उठाएगा रामलाल, ध्यान रखना। आकाश के तारों की बात में मत आइए। पढ़ रही हो, लिख रही हो, बेटियों से मेरा निवेदन है, सावधान, तुम बहुत बोली हो। ये नारी सबसे ज्यादा किसमें लुटती है मालूम है? किसमें लुटती है? प्रशंसा में। प्रशंसा कर दो फिर तो है, बन गई विश्व सुंदरी, ध्यान रखना। किसी ने कह दिया तो चांद जैसी है, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, तू तो बहुत सुंदर है, सावधान। मीठी मीठी बातों में, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में विचार करिए, बचना इससे, मीठी 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 बातों मत बहक जाना। बड़ा स्मार्ट सा लड़का देखा, महंगा सा मोबाइल है, बाइक लेके चक्कर लगा रहा है कॉलेजों के, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, लड़कियों के पीछे पड़ा, खूबसूरती देखी, दे दिया अपना दिल, पागल हो जाओगी, ध्यान रखना। ये एक मुहिम चल रही है पूरे देश में, जिसे लव जिहाद कह के याद किया जाता है, ध्यान रखना। आपकी सुंदरता को बिगाड़ करके फेंक दिया जाएगा सड़कों पर, ध्यान रखना। मान्यवर, संस्कृतियों पर ध्यान दीजिए, ऐसी दोस्ती मत करिए। पहले के दोस्त होते थे सड़कों पे मिलते थे बाजार, अब तो फेसबुक, पड़ोस से बनती नहीं, फेसबुक में हजार दोस्त हैं। वाह रे आदमी की जिंदगी, हर किसी से दोस्त बना रहे हो, ना देखा ना भाला ना कुछ किया, बस बन गया हमारा दोस्त। वो दोस्त बन गया एक लड़की का। लड़की इंदौर पढ़ने गई, मेरा चतुर्मास था वहां पर, उस समय की साक्षात घटना है। लड़की जॉब कर रही है, एक लड़का भी उसके साथ पढ़ता था, उसने बड़ी हेल्प की लड़कों की, लड़की की, ध्यान रखना। कोई तुम्हारी सहायता करता हो तो ध्यान रखना, हद से ज्यादा सहायता नियत खराबी की सूचना देती है, ध्यान रखना। कोई अनजान आप पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? आपके पीछे हर काम में क्यों लगा हुआ है? आपकी हर तरह से सहायता क्यों कर रहा है? जब कोई हद से ज्यादा आपकी हेल्प करे तो समझना इसकी नियत में कोई ना कोई खोट जरूर है, ध्यान। इतनी ईमानदार नहीं है दुनिया कि निस्वार्थ भाव से तुम्हारी कोई सहायता करे, ध्यान रखिए। वह दोस्त बन गया, पढ़ते लिखते साथ रहते सब कुछ करते, लड़की का जॉब लग गया, लड़का भी इंजीनियर बन गया। आज ये हो रहे हैं घर के हालात, ध्यान रखना। माँ बाप लाचार हो जाया करते हैं, क्या करें, बाहर पढ़ती हैं बेटियां, सोच समझ के रिश्ते। दोस्ती बढ़ गई, एक दिन उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की सकते में आ गई, उसने कहा मैंने कभी तुम्हें इस निगाह से देखा ही नहीं, तुम्हारे मेरे विचार मिलते थे, मैं केवल दोस्त हूं दोस्त, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी तुमसे शादी होगी, मैंने इस दृष्टि से तुम्हें कभी नहीं देखा है, मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया। लड़के को लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं जिसके लिए इतनी हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था, और ये नादान कहती है कि मैं तुझसे शादी नहीं कर। एक तरफा प्रेम, ध्यान रखिए। लड़के ने कहा कि नहीं, तुझे शादी मुझसे ही करना पड़ेगी। लड़की ने कहा देखो तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त जिंदगी भर रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती हूं। लड़के ने कहा मुझ में क्या कमी है? बोले कुछ कमी नहीं है, तेरे जैसा दोस्त तो दुनिया में मिलेगा नहीं, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत कर। लड़का बहुत दुखी हुआ, गंदे गंदे SMS भेजने लगा, जो साथ घूमे वो फोटुआ बना करके डालने लगा, लड़की को बदनाम करने लगा, लड़की परेशान हो गई। लड़की ने कभी ऐसा नहीं सोचा था, वो अच्छी संस्कार वाली थी। लड़की बहुत परेशान हुई, मैसेज भेजता गंदे गंदे, फेसबुक पे भेजता, व्हाट्सएप पे भेजता। लड़की बहुत दुखी हुई, उसने कहा कि देख मैसेज लिखा कि तू ये ख्याल छोड़ दे मेरे प्रति। उसने कहा मैं शादी करूंगा तो तुझसे करूंगा, और यदि तू मुझे ना मिली
तो तू किसी और की भी नहीं हो सकती है। लड़की ने कहा, यार ईश्वर से, भगवान से कि मैंने क्या कर लिया, एक अजनबी से दोस्ती करके, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। लड़की ने घर में वालों को बताया, घर वालों ने कहा देख तेरी तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी उससे। बोले दोस्ती तो थी, मैं आगे भी रखना चाहती हूं लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूं। लड़के ने फिर मिला उससे, तू एक बार मुझसे आके मिल। लड़की मिली, बोले देख शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, ध्यान रखना। लड़की ने कहा कि प्रेम मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं होते हैं, मैं तुमसे केवल दोस्ती का व्यवहार रखती हूं, मैं तुम्हें बहुत महान मानती हूं। लड़के ने कहा तू शादी करेगी या नहीं करेगी? लड़की ने कहा मैं शादी नहीं कर सकती हूं। मालूम है आपको, दूसरे दिन फ्रंट पर अखबार में आया, लड़के ने तेजाब की बोतल ली और लड़की के चेहरे पर डाल दी, झुलस गया चेहरा। इतनी सुंदर फूल सी लड़की, राजकुमारी सी सुंदर वह लड़की झुलस गया, तड़प गई। भाग गया लड़का बाइक पर बैठकर, माँ बाप को खबर लगी, रोते रोते माँ बाप आए। लड़की का चेहरा देखने में माँ की हालत खराब हो गई, ये वही लड़की जिसे चांद का टुकड़ा समझ के मैंने पाला था, क्या हालत कर दी उसने मेरी। पुलिस आई, रिपोर्ट हुई, लड़का पकड़ा गया, जेल में बंद हुआ। लेकिन मान्यवर, लड़के को जेल में बंद करने से कुछ नहीं होता, जिंदगी तो लड़की तेरी बर्बाद हो चुकी है। उसे फांसी पर भी लटका दिया जाए तो तेरा चेहरा अब सुधरने वाला नहीं है। डॉक्टरों ने कहा उसके माँ बाप से कि इस बच्ची का चेहरा पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, लड़के को सजा हो गई, क्या सजा होगी, 2-4-5 साल में फिर बाहर आएगा। हकीकत में सजा लड़के को नहीं हुई, हकीकत में सजा तो लड़की को जिंदगी भर की हो गई। ध्यान रखिए, माँ बाप झार झार आंसू बहाते हैं उस लड़की को देखकर, माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, माँ की छाती फटती है लड़की को देखकर। जब जब पुराना एल्बम उठाया जाता है, लड़की दर्पण में अपना चेहरा देखती है और खुद घबरा जाती है, अपने आप से नफरत हो गई उस लड़की को। मान्यवर, दोस्ती संभल के करो, किसी की मीठी मीठी बातों में मेरी बेटियों अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। ध्यान रखना, ये शादी विवाह की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेकर माँ बाप के ऊपर सौंप दीजिए, वो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बना देंगे, वो तुम्हारी जिंदगी को क्षणिक थोड़े देर का सुख, क्षणिक सुख के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करती हो। ध्यान रखना, दोस्ती मत करना हर किसी से। ध्यान रखिए, अपने आप से दोस्ती कर लो, अपने भगवान से दोस्ती कर लो, कोई ना मिले तो ईश्वर से दोस्ती कर लीजिए। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, ये घटनाएं आपके जीवन में कभी भी घट सकती हैं, किसकी क्या नियत हो कोई नहीं जानता।